भाई जिन्हों का गुरु तेग बहादुर से विश्वास आ वो तो गुरु तेग बहादुर साहब के विश्वास सदके परमानेंट ही तुरे फिरते हैं। जेडे फिर सरकार के दरों से जाएंगे फिर चोट खा के आ जाएंगे। मैनू कल दे लोग फोन करके किसान जथेबंदियों के लोग विदेशों लोग कहें यार एडा धक्का केवल इस करके क्योंकि तू सा मुंडे चढ़ा रहे जे। मैं कल फोन आया माता जी का केंद्र पुत असी तेरी रोज़ अरदास करते हैं तू सा मुंडिया बचाया अज तुम खमियाजा भुगतना पै रहा। मैं कहा माता जी कोई खमियाजा नहीं भुगतना पेगा सरकार सानू खमियाजा भुगतना चाहती आ सरकार चाहती सड़क सीस चुके। मैं कल रात भी गुरद्वारा साहब से यही गल कह के आया सरकार जिड़ा मर्जी जोर ला दे दर से सीस नहीं चुकावे। हैरानगी की गल ये आ कि सरकार का वकील जिहड़ा सी ओ रौला पा के कह रहा सीगा कि मीरी पीरी का सिद्धांत जिहड़ा ओ खत्म किया जाए। अज हार होई आ जिहड़े सरकारी तख्तां ते जाके पोचे मारदे सीगे और बाहर आके रौला पा के कहिंदे सी असीं 5 दिन ला के ते अकाली दल का सिंबल खत्म कराए आ अज उन्हां नूं पुछो जाके भाई तां ओ देण। जे असीं वी उन्हां लोकां वरगू जिवें परमजीत सिंह सरना लिख के दे आए कि मीरी पीरी का सिद्धांत नहीं है केवल रिलीजियस सिद्धांत आ साडा जे कितें सरकार सड़ तों वी करा लैंदी ते असीं की कहा सी गुरु साहब दे। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दीआं चोणां विच श्रोमणी अकाली दल दे विरोधियों नूं उदों वड्डा झटका लग्गिया जदों दिल्ली हाई कोर्ट दे दो मैंबरी बैंच ने पार्टी नूं चोणां दे लई बाल्टी चोण निशान अलाट करन दे हुकम दे दित्ते। हाई कोर्ट दे जस्टिन बिपन सागी अते जस्टिन रेखा पल्ली दे दो मैंबरी बैंच ने श्रोमणी अकाली दल नूं बाल्टी चोण निशान अलाट करन दे हुकम सुणा दित्ते ने। अकाली दल वल्लों वकील हरीश मल्होत्रा अविनाश मिश्रा ते अदालत दे विच दलीलां पेश कीतियां गईआं जिसते अदालत का यह हुक्म आया। फैसले बारे जानकारी दिंदिया दिल्ली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिरसा ने दसिया कि अदालत का यह फैसला गुरु के सच्चे तख्त की जित है ते सरकारां दे तख्ते ते पोचे मारन वालियां दी हार है। जो गल असी पिछले 15 दिनों तो कहिंदे आ रहे सी कि कोई कुछ भी कर लवे किसी सूरत अंदर सरकारी तख्त की जित नहीं हो सकती। असी बार बार कह रहे सीगे कि जित जिहड़ी होनी आ वह मेरे मालक दे सच्चे तख्त की होनी आ सरकारी तख्त की हार होनी तय आ। मैं उन्हां वकील साहिबाना दे चरणां च बेनती भी की सी गुरद्वारा असीस गंज साहब तो जिहड़े कि अपने आप नूं दसदे गुरसिख ने ते काम वो करदे ने जिहड़े सिक्खी दे खिलाफ होण। मैं उन्हां नूं बेनती की सी कि वकील साहब तुसी हुण भी गुरु तेग बहादुर साहब जी की शरण च आ जाओ कौम बख्श दूगी माफ़ कर दो। की होया अज आखिरकार किहदी जित होई जिन्हां सरकारी तख्तां तों आदेश लैके कोर्टां चों पेश हो रहे सी जिहड़े सरकारी अज की हैरानगी की गल की आ। हैरानगी की गल यह आ कि सरकार का वकील जिहड़ा सी ओह रौला पा के कह रहा सीगा कि मीरी पीरी का सिद्धांत जिहड़ा ओह खत्म किया जाए यह कोई इन्हां नूं रिलीजियस बनाया जाए और साडे जिहड़े सिख वकील आ उन्होंने सपोर्ट कर रहे ने बार बार ये कह के कि हाँ रिलीजियस होना चाहिए। जज साहब ने एक सवाल पूछे अज साढ़े उस सिख वकील साहब न कि वकील साहब मैं तो एफीडेविट तो लै दिनी हाँ जज साहब ने दूजे डबल बेंच उन्होंने भी कहा कि एफीडेविट तो लै दें पर सानू ये तो दस दो ये रिलीजियस पार्टी होंगी की आ वट इज़ रिलीजियस पार्टी। वो कहण नू मजबूर हो गए कि सिख धर्म तो सिख होगा पर वह भी तो सैकूलर आ उन्हें क्या मेरा धर्म कुछ होर हो सकता है पर मैं भी तो सैकूलर हाँ मैं सारे धर्मों च बिलीव करती तुम ये कंसैप्ट कितों लैके आए जे। जिहड़ा मीरी पीरी के सिद्धांत नूं ढाउण की कोशिश की सी मैं तो धन्नवाद करदा है कि गुरु साहब ने तरस किया खाली साड़ी पत्त नहीं रखी साड़ी तो रखी रखी आ मेरे मालिक ने साढ़े तो कृपा की आ पर गल आ साडे हथों कि मीरी पीरी के सिद्धांत के उत्ते चोट ना लग जाए यह भी साढ़े कृपा कराई। सोच के देखो जे असी भी उन्होंने लोगों वर्गों जिमें परमजीत सिंह सरना लिख के दे आए कि मीरी पीरी का सिद्धांत नहीं है केवल रिलीजियस सिद्धांत आ साडा जे कि सरकार सड़ तो भी करा लेंदी तो असी की कहा गुरु साहब दे गुरु सीस गुरद्वारा सीस गंज साहब विखे गुरमीत जी थोड़ी हाजरी च भी साढ़े सारे मैंबर साहबाना की हाजरी च कहा कल्ले रह जावे कल्ले कल्ले रह जावे पर मेरे गुरु दे सिद्धांत ते पैरा देंगे ये नहीं कहावे कल नूं कि गुरु आ एक चुनाव जितने पिछे
एक चुनाव जितन पिछे अपने मालिक का दिता मीरी पीरी का सिद्धांत ही छड़ता इन्होंने लोगों ने कल दीदी इलैक्शन लड़न पिछे मैं क्या कल रह जाइए कोई वोटर ना रह जाए नाल पर घट्टो घट साढ़े बच्चों ये तो विश्वास आऊगा कि साडा बापू भावें कला रह गया सी पर गुरु का सिद्धांत नहीं छड़िया सी अज बहुत वड्डी ये सारे मीरी पीरी के सिद्धांत की जित हुई आ ये गुरु हरगोबिंद पातशाह जी के बख्शे हुए उस सिद्धांत की जित हुई आ जिस सिद्धांत ने सानू दिता सीगा मीरी ते पीरी का सिद्धांत अज हार हुई आ जिहड़े सरकारी तख्तां ते जाके पोचे मारदे सीगे और बाहर आके रौला पा के कहिंदे सी असीं 5 दिन ला के ते अकाली दल का सिंबल खत्म कराए हाँ अज उन्हां नूं पुछो जाके भाई तां ओह देण जेकर वह भी इस गुरु तेग बहादुर साहब के दर ते आ के क्या हुंदा उन्होंने भी तो फिर असीं कहण नूं मजबूर हो जाणा सी भी जो गुरु करूगा वह चंगा है पर क्योंकि वह सरकारी तख्तां ते झाड़ू ला रहे सीगे असीं गुरु दे तख्त ते आके पोचा ला रहे सी सानू विश्वास सीगा आखिरकार जित मेरे मालिक दे गुरु तेग बहादुर साहब दे गुरु साहब दे सच्चे तख्त दी होनी आ हार उन्हां लोकां दी होनी आ मैनू कहण दी लोड़ नहीं मैं अज अपने सारे दुनिया भर च वसदे गुरु नानक नाम लेवा संगत दे चरणां च हथ बन के एक बेनती करन लगा साडा विश्वास देख लो किड्डा गुरु प्रति जिदन फतेह दिवस हो रहा सी असीं उदन भी किया जिदन 28 तरीक नूं अपने सिखां नूं सन्मानित कर सी जेलां कट गया सी उदन भी गुरु साहब दी हाजरी च कहा सीगा चुनाव लड़ांगे ते गुरु दी लंगर वाली बाल्टी ते ही लड़ांगे बोले मैं संगत नूं कहना गुरु ते विश्वास रख्या करो कदे अपना विश्वास ना डोलण दिओ जे गुरु ते इस तों वड्डा प्रतक की हो सकदा कि कल सरकार ने ऑर्डर करके कह दिता कि तुहाडा सिंबल कैंसल ऑर्डर कर दिता साडा सिंबल खो लिया गया सरकार दी नोटिफिकेशन होगी मैनूं फिर पुछे मैं की किया मैं कहना जो मर्जी सरकार कर ले आखिर जित गुरु तेग बहादुर साहब दे दर दी होनी आ साडा अटल व्याज विश्वास आ असीं फिर भी एक बार नहीं किया कि असीं डोल गए होईए भी नहीं हुण ते सरकार ने करता जी हुण ते साडी मजबूरी ना असीं कहना कुछ हो जाए आसमान फट जाए धरती फट जाए जल जला आ जाए जित गुरु तेग बहादुर साहब दे दर दी होगी सरकारां दे तख्तां जित नहीं लड़ांगे मैं वधाई दिंदा अज मेरियां मावां नूं मैं जिहदे कोल जांदा सी मां कहिंदी सी असीं अरदास करदे पए आ मैनूं कल दे लोग फोन करके किसान जथेबंदियां दे लोग विदेशां तों लोग कहिंदे सी यार एडा धक्का केवल इस करके क्योंकि तूं साडे मुंडे चढ़ा रहे जे मैनूं कल फोन आया माता जी दा कहिंदे पुत असीं तेरी रोज़ अरदास करदे हां तूं साडे मुंडिआं नूं बचाया सीगा अज तुहानूं उहदा खमियाजा भुगतना पै रिहा मैं कहा माता जी कोई खमियाजा नहीं भुगतना पऊगा सरकार सानूं खमियाजा भुगतौणा चाहुंदी आ सरकार चाहुंदी साडा सीस चुके मैं कल रात भी गुरद्वारा साहब च इही गल कह के आया सीगा सरकार जिहड़ा मर्जी जोर ला दे तुहाडे दर ते सीस नहीं झुकावांगे मैं उन्हां मावां दा धन्नवाद करदा जिन्हां ने साडे दे वास्ते अरदासां कीतियां और मैं अज कहना चाहुंदा सरकारां दे कुछ कारण की सी उह चाहुंदे सी कि इस कमेटी च कोई होर काबज हो जाए अज मैं जनतक तौर ते अनाउंस करके दस रहा इह गल वो चाहते सी कि इस कमेटी तक होर काबज हो जाए कौन हो जाए जिहड़ा आप कह रहा कि मैं सिंबल कैंसल करा के लिया मैं झाड़ू मार दिया उत्थे पोचे जिहड़े ला रहे हैं साडे घरां च सरकार चाहती जिहड़े साडे घरां च आ के पोचे लाउंदे उस कमेटी च बह जाण की होगा जिहड़े मुंडे छड़ाए जा रहे छड़ाउण वास्ते कोई अगे नहीं आऊगा लंगर पहुँचणगे नहीं किसानां दे उत्थे असीं उन्हां लोगों के इस अंदोलन नूं बहुत वड्डी चोट पहुँचावांगे जदों इन्हां तख्त जदों गुरु साहब दीआं सीटां ते बह के लोग कहणगे ना भी सिख गलत ने किसान गलत ने तो सानूं बल मिलेगा पर गुरु नूं ते गुरु की गल मंजूर हुंदी आ सो इस करके मैं वधाई दिंदा है जिन्हां मावां ने साडी अरदास की उन्हां धन्नवाद करदा जिन्हां किसानां ने साडी अरदास की उन्हां धन्नवाद करदा जिन्हां बच्चों के माँ बाप जिहड़े जेलां तों छुट के आए सी उन्हां ने साडी अरदासां कीतियां उन्हां दा धन्नवाद करदा पठानकोट शुकराना करदा मेरे मालिक दा सच्चे दर दा जिहदे करके साडे कृपा होई आ सानू नहीं पता संत एक पता है कि गुरु तेग बहादुर साहब की कृपा फिर हुई है किवें हुई है गारी रब ही जानता है भाई जिन्हों का गुरु तेग बहादुर से विश्वास आ वह तो गुरु तेग बहादुर साहब के विश्वास सद के परमानेंट ही तुरे फिरते हैं जेडे फिर सरकार के दरों पर जाएंगे फिर चोट खा के आ जाएंगे इस करके संत एक गल पता है किवें होया किन्ने कराया की चमत्कार होया बस एक ही आ गुरु का होया तो गुरु ने कराता है उधर इस मौके दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सकत्र हरमीत कालका ने दसिया कि यह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब की मीरी पीरी के सिद्धांत की जित है उन्होंने कहा कि असी बार बार यह स्पष्ट कर दिता कि जेकर चोणा लड़ांगे तो सिर्फ गुरु के लंगर वाली बाल्टी के चोण निशान से ही लड़ांगे देखो अज मैं समझदा समुची खालसे पंथ की जित हुई है सिख पंथ की क्योंकि खाली श्रोमणी अकाली दल का चुनाव चिन्ह नहीं सी यह बाल्टी जी है वह बाल्टी है जिहड़ा निशान अज 100 साल तो श्रोमणी अकाली दल जी लड़ाइया लड़ती आ रही है पंथक और हमेशा जिहड़ी कौम की वड्डी लड़ाई हुई है कौम के वड्डे मोर्चे हुए हैं श्रोमणी अकाली दल ने जीते ने और लड़े ने
अज उस सिद्धांत को खत्म करने की गल कर रही जिदे उत्ते पहरा दे रहे गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज का मीरी पीरी का सिद्धांत सी उहदे उत्ते जिहड़ा पहरा दिता जा रहा अज उहदे उत्ते इन्होंने हमला करने की कोशिश की अब बहुत वड्डी जित हुई है और मैं समझदा कि गुरु महाराज का वोट आसरा लैके जिहड़ियां पार्टियां जिहड़ियां टीमां जिहड़े वर्कर जिहड़े गुरु घर के सेवादार अगे वधदे ने संग महाराज उन्होंने आप देंदे और अज देखो तुहाडे सामने किस किस्म के नाल इत्थे आके जब असीं नतमस्तक होया महाराज ने अपनी बाणी का उत्थे शब्द चल रहा सी मेरे राम राय संता ठेक तुम्हारी। सो महाराज का हमेशा वोट आसरा लैके जिहड़ियां कमेटियां चलदियां ने अज उहदी बहुत वड्डी जित हुई है और उन लोगों नूं अज जवाब मिलिया जिस एक्ट की आपां इलैक्शन लड़ रहे हां जिस एक्ट के तहत दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं बनाने वास्ते इस पार्टी ने जदोजहद की है साढ़े बजुर्गों ने जेलां भरिया अज उहनूं खत्म करन दे उत्तर आए हैं। सो मैं समझदा कि गुरु महाराज ने अज आप उन्होंने जवाब दिता और जिहड़े बंदे अज तो हफ्ता पहले बहुत खुशी मना रहे सी और मैनू नाम लेंदे गुरेज नहीं है सरदार मनजीत सिंह जी के वर्गे ने जिस तरीके दे नाल गल की क्योंकि वह अजकल सरकारां दे हत्थां 'च खेड रहे उस तो पहला अकाल तख्त साहब नूं चुनौतियां दिंदियां जांदियां सी जब दिल्ली दे विच दो दो संगरांदा दो दो गुरपुरब मनाए जांदे सी अज उसी अकाल तख्त साहब दे मीरी पीरी दे सिद्धांत नूं खत्म करन वास्ते सरदार मनजीत सिंह जी के अगे वध्या। सो मैं समझदा अज उन्हां नूं बहुत वड्डा जवाब कोटा राहीं मिलिया और सानूं जिथे महाराज तों वोट आसरा सी बिल्कुल विश्वास है हिंदुस्तान की जुडिशरी के उत्ते जिन्हें अज साडा बिल्कुल साडी गल सुनी है। देखो एच एस फुलका साहब बारे उन्हां कोल ही पुछ लो मैं तो यही गल कहांगा उन्हां दे लिस्ट दे विच एक केस होर अज इजाफा हो गया क्योंकि जितने वाला तो मैं अज तक कभी देखा नहीं हारन वाले केस दे विच एक इजाफा जरूर होया। मैं एक गल जरूर कहना चाहुंदा 100% ही अज मैं गल कहना चाहुंदा और गुरु साहब दी जिहड़ी हरमीत जी ने गल कही आ बई चलो ये भी गलत काम हो जाना सीगा वरना कितने इतिहास लिखा जाना सीगा भी एक केस एच एस फुलका जित के इतिहास लिखा जाना सी इतिहास नूं लिख बदलण तों भी अज गुरु ने कृपा की है इतिहास एज इट इज़ लिखा गया भी केस हारे हारे से अज एक केस हारे का होर इजाफा हो गया इन्ना कुछ वकील साहब की जी लिस्ट लिखा गया वधाइया वकील साहब तुहानू वधाइया दिंदे एक बार गुरु तो छड़ के सरकार का लैन चले से ना वोट आसरा जे गुरु का वोट आसरा लिया हों तो अभी साढ़े नाल खड़ोते होना सीगा। सो चोणों तो पहला ही दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की एक वड्डी जित हुई है देखना होगा कि आखिर चोणों के विच किस पार्टी की जित होंदी है। दिल्ली तो दुबिंदर सिंह की रिपोर्ट D5 चैनल पंजाबी। D5 चैनल पंजाबी पूरे सब्सक्राइब करो बेल आइकन पे क्लिक करो।